गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमन, योर इंग्लिश टीचर. टूडे वी विल रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन 9, प्लांट्स कैन बी फन. लेट स्टार्ट टूडेज वर्क. इफ यू पुट अ मनी प्लांट स्टेम इन वॉटर, न्यू रूट्स फॉर्म वेरी क्विकली नियर द बॉटम ऑफ द स्टेम. यदि तुम मनी प्लांट के तने को पानी में रखते हो तो नई जड़ें बहुत ही तेजी से बनेंगी तने के तल के पास से. After the roots have appeared, जो जड़ें हैं उनके दिखाई देने के बाद you can put the money plant, तुम money plant को रख सकते हो in some soil, थोड़ी सी मिट्टी में, to make a new plant, नया पौधा बनाने के लिए. There are lots of other plants that root in this way. यहाँ बहुत अधिक संख्या में या बहुत अधिक मात्रा में पौधों को उगा सकते हैं, कि जड़ों को उगा सकते हैं. इसी वे से यू कैन हैव फन मेकिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम ओल्ड वंस. तुम पुराने पौधों से नए पौधों को जो है उगाकर जो है आनंद ले सकते हो. सो फार वी हैव लर्नड ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स एंड स्टेम्स. अब आपने जो है नए नए पौधों को उगाना सीख लिया है, किससे? जड़ों से और तनों से. ग्रोइंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ लीफ सीम्स इम्पॉसिबल. एक नए पौधे को उगाना किससे? एक पत्ते से. असंभव प्रतीत होता है, येट इट कैन बी डन विद द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स. तब भी इसे किया जा सकता है, कैसे? कुछ पौधों की जो है पत्तियों के साथ. इफ यू कैन गेट अ लार्ज थिक बिगोनिया लीव, मेक अ कट एट ईच लार्ज वेन ऑफ द लीफ. यदि तुम एक बहुत बड़ी और मोटी बिगोनिया लीफ लेते हो और उसमें जो है कट लगाते हो, कहां? पत्ते की प्रत्येक बड़ी शिरा के ऊपर. ले द लीव ऑन डैम्प सैंड विद द अंडर साइड डाउनवर्ड. क्या करना है? पत्ते को आपने रखना है गीली रेत पर, कहां? नीचे की तरफ. पुट द पेबल्स ऑन इट्स एजेस टू कीप इट फ्लैट. और उसके जो किनारे हैं उनके ऊपर आपने क्या करना है? कुछ पत्थरों को रखना है ताकि वो फ्लैट रहे. प्लेस एन इन्वर्टेड ग्लास जार ओवर इट टू कीप इट मॉइस्ट. इन्हें नम रखने के लिए इसे क्या करेंगे? एक ग्लास जार इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे. इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, टिनी न्यू प्लांट्स विल फॉर्म. छोटे नए पौधे आ जाएंगे इन द प्लेसेस, उन स्थानों पर, वेयर यू मेड कट्स, जहां तुमने कट बनाए थे. वेन द न्यू प्लांट्स आर 5 to 7 सेंटीमीटर टॉल, मूव देम इन टू सेपरेट स्मॉल पॉट्स कंटेनिंग सॉइल. जब नए पौधे 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे होंगे तो क्या करना है? उन्हें ले जाकर आपने एक छोटे गमलों में अलग से लगाना है जिसमें मिट्टी होगी. सिमिलरली यू कैन मेक न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अफ्रीकन वॉयलेट. इसी वे से जो है तुम जो है नए पौधे को उगा सकते हो, किसकी पत्तियों से? अफ्रीकन वॉयलेट की पत्तियों से. टेक अ लीफ विद अ लिटल पीस ऑफ द स्टेम अटैच्ड टू इट. क्या करना है? एक पत्ता लेना है और उसके छोटे से जो है भाग को लेना है जो कि तने के साथ अटैच होना चाहिए. ऐसा भाग लेना है पत्ते का जो कि तने के साथ अटैच हो. स्टैंड इट अप विद द स्टेम पार्ट बरीड इन अ डैम्प सैंड. आपने क्या करना है? गीली रेत में उसे जो है उसी स्टेम को, उसी तने वाले भाग को जो पत्ती के साथ है, उसे वहां खड़ा करना है और दबाना है. अ टिनी न्यू प्लांट विल ग्रो वेयर द स्टेम हिट्स द सैंड. एक नया छोटा पौधा उगेगा कहां से? जहां जो है रेत और स्टेम जो है आपस में जो है मिलते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, मेक अ सिंपल वुडन बॉक्स फॉर यूर सेल्फ इन विच टू पुट पीसेज ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स टू टेक रूट. क्या करना है? अगर आप इंटरेस्टेड है नए नए पौधे उगाने के लिए तो आपने एक सिंपल लकड़ी का बॉक्स लेना है जो है. उसमें आप क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसीज जो है तने के और पत्तियों के उसमें डालेंगे रूट लेने के लिए, जड़ लेने के लिए. फिल द बॉक्स विद सैंड. आपने उसमें जो है उस बॉक्स को रेत से फिल करना है. एंड कीप द सैंड मॉइस्ट. और जो उसकी रेत है उसके अंदर आपने फिल किया, उसको आपने नमी, मतलब उसके अंदर नमी होनी चाहिए, पानी डालना है, उसको मॉइस्ट रखना है. यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड मैनी अदर प्लांट्स दैट विल ग्रो फ्रॉम अ पीस ऑफ स्टेम और फ्रॉम अ लीव. तुम जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और दूसरे पौधों को जो है प्राप्त कर सकोगे जो कि किससे उगेंगे? एक तने के पीस से और एक पत्ते से उगेंगे. नाउ यू हैव टू लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड फील बी एक्स ऑन योर
English Reader book. Okay, thank you.